ससुरालियों ने महिला की मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। शिवपुरी जिले के नरेंद्र नगर छतरी रोड शिवपुरी की रहने वाली एक महिला ने मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए ससुरालियों पर मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। महिला प्रीति बघेल पत्नी राजेंद्र बघेल निवासी नरेंद्र नगर शिवपुरी में ने बताया कि उसका संयुक्त परिवार शिवपुरी में नरेंद्र नगर छतरी रोड शिवपुरी में रहता है। मेरे परिवार में मेरे पति राजेंद्र बघेल एवं देवर वीरेंद्र सिंह बघेल, सास वेवा जमुना देवी एवं देवरानी अनुष्का बघेल संयुक्त रूप से निवास करते हैं। मेरे पति का पत्थर का फड़ है और मेरे देवर कलेक्ट्रेट में बापू है और मेरे परिवार में उनकी चलती है। देवर ने मुझे धमकी दी कि मैं कलेक्ट्रेट शिवपुरी में बाबू हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी के चलते देवर ने मुझे मारपीट कर घर से भगा दिया, जिसके कारण ससुराल वाले मुझे घर में रख नहीं रहे हैं। मुझे मेरी दो नाबालिग बच्चों के साथ भगाया है। मेरे पति के नाम से जो भी संपत्ति है उसको हड़पना चाहते हैं। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काते और मुझे घर में रहने नहीं दे रहे हैं और मेरे देवर अपनी शासकीय नौकरी कलेक्ट्रेट शिवपुरी में बाबू होने के कारण पूरे परिवार को दबा कर रखे हैं और प्रताड़ित करते हैं। महिला ने ससुरालियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। और मेरे देवर, मेरी देवरानी, मेरी सास और मेरे पति, मतलब चारों मिलके मुझे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। उनने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे हैं दो, एक 12 साल का, एक 8 साल का। हम लोग घर से निकल आए हैं, उन लोगों ने मार पीट के घर से निकाल दिया। कब कब निकाला था आपको घर से? मतलब मुझे 3 जनवरी निकाल दिया शाम को 6 बजे। बाकी फिजिकल थाने पर मैंने शिकायत की थी, उन लोगों ने ले दे कि मेरा मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी है, इसलिए मैं एसपी ऑफिस जल्द सुनवाई में आई हूँ। और ना मेरे जो देवर है वो कलेक्ट्रेट में है, वो अपने कलेक्टर की धमकी देता है कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। वो पैसे ले दे के वो वहाँ मतलब पुलिस वालों को पैसे खिला दिए, तो मेरी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं वीरेंद्र सिंह बघेल, वो कंप्यूटर बाबू हैं कलेक्टर ऑफिस में। नहीं नहीं, आपका क्या कारण है आपको मारपीट क्यों की? मारपीट करते हैं, मेरी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं। वो घर में मेरे पति को भड़काते हैं, तो सब लोग मुझे मिलके परेशान करते हैं। कितनी हुई जमीन जायदाद? जमीन जायदाद मेरी 20 बीघा है, वही कलेरा में प्रॉपर्टी है, शुप्री में मकान है। मतलब वो कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, कब्जा करना चाहते हैं, मुझे भगा के वो अपनी मेरी प्रॉपर्टी वो अपने। आपके पति आपके साथ में है कि उनके साथ में? नहीं, उनके साथ में है, मुझे छोड़ दिया उन्होंने। क्या करते हैं वो? वो पत्थर का फड़ है। तो प्रॉपर्टी किसके नाम है? प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम है और दोनों भाइयों के नाम है, मतलब वीरेंद्र और राजेंद्र दोनों के। तो भाई आपके देवर की शादी हुई? हाँ, शादी हो गई, उसके पे एक बेटी है। तो आपके ससुर साहब हैं? नहीं, वो नहीं। क्या करते हैं आपके पति? फटकर का फड़। ऊपर से फोन आया है। बाकी मैं एसपी के पास, उस पे आईटी के पास गई थी, तो उनने भी बोला है कि वीरेंद्र कोई बघेल है, उनने हमें हमारे यहाँ खबर की है कि वो उन लोगों का मामला है, लेकिन नहीं, वो भी बीच में है, वो भी मुझे परेशान करता है। तो आप एसपी आपके पास शिकायत करने आए हैं? उससे पहले भी आए थे क्या? उससे पहले नहीं आई, वो जब सुनवाई नहीं हुई तो एसपी के पास आई हूँ मैं। तो बात हुई आपकी एसपी साहब से? बात नहीं हो पाई मेरी। क्या चाहते हैं आप? मतलब मैं न्याय चाहती हूँ, मैं अपना मतलब घर पर मेरा परिवार ना टूटे, मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, मेरे बच्चे हैं बड़े हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, वो परेशान हो रहे हैं। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, दो बच्चे हैं, दो बेटे। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं अपने मायके रह रही हूँ।